बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू की जीत पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। बीजेपी मुर्मू की उम्मीदवारी की जमकर तारीफ कर रही है। मुर्मू की उम्मीदवारी को दूसरे दलों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष को राष्ट्रपति के पद पर तो वो साथ नहीं रहे, लेकिन उनके अंतर में ये बहुत अच्छी तरह वेदना उनकी जो है वो मुखर हो रही है, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पद में भी जो ऐसे विपक्ष के साथी हैं वो अपने दिल और इच्छा से मतदान जरूर करेंगे श्रीमती मुर्मू जी के। देखिए, ये व्यवस्थाएं हैं और हमारी पार्टी ने हमेशा, हमारे नेतृत्व ने हमेशा मार्ग कोशिश करी है कि कोई ऐसा सर्वसम्मत मार्ग निकल आए, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो जो भी बेस्ट चुनाव किया था, मैं समझता हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही ऐसे प्रत्याशी चुने गए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो एक मिसाल होंगी, देश की 50% आबादी की प्रतिनिधित्व करती होंगी, और जो हमारे सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, आज उस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने कर दिया है। और वही विषय उपराष्ट्रपति पद के लिए है। एक धरती पुत्र किसान के बेटे जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में, एक वकील के रूप में, आज मैं समझता हूँ दोनों ही पदों पर ऐसे व्यक्तियों को सुशोभित किया गया है, जिनको प्रस्तावित किया गया है। पूरा देश और यहाँ तक कि पूरा विपक्ष भी नतमस्तक है, वो ये स्वीकारता है कि राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी हमारी लाई गई हैं वो सबसे बेहतरीन है। पार्टी लाइन की वजह से, मजबूरियों की वजह से हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि प्रत्याशी हमारे गलत हैं। एक पिछले वर्ग की महिला को सदर के लिए चुना जा रहा है, और इससे बड़ी क्या बात है? यही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। इतने घटक दल है, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। ये एक ऐसे किसान